हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन सागर है और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं रेडिएशन में, जो गेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, जो 2000 से 2015 के बीच में जितनी भी गेट एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी उसमें जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बिफोर लेक्चर कंडक्ट्स ये वीडियो स्टार्ट हो, उससे पहले मैं आपको बोल दूं, बताना चाहता हूं कि अगर आपने रेडिएशन पार्ट 01, रेडिएशन पार्ट 02 और रेडिएशन पार्ट 03 अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स पहले वो वीडियो देख के आए फिर यहाँ पे आए, ताकि ये न्यू वो सब कंसेप्ट पोर्शन है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा रेडिएशन पार्ट 01, 02, 03 में, फिर ये आपको वीडियो समझ में आएगा, बाकी आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट का है और ये गेट कौन सी में 2004 में पूछा गया था, 1 मार्क्स में, 2004 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो, फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट ब्लैक, ओके, ब्लैक बॉडी में आइडियल ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 1, ई इज इक्वल्स टू 0, टाउ इज इक्वल्स टू 0। अपने ब्लैक बॉडी में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, मीन्स 100% रेडिएशन जो इंसिडेंट होते हैं ब्लैक बॉडी पे वो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये ए इज इक्वल्स टू 1, यानी ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी एब्जॉर्प्टिविटी क्या है ब्लैक बॉडी की, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो को पॉज करके आप लिख डालो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन फ्रॉम एन एमएस यानी माइल्ड स्टील सरफेस इज टू बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द एमिसिविटी ऑफ द सरफेस। सो जो माइल्ड सरफेस में से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन को, उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? एमिसिविटी को रिड्यूस करके। This can be done by, so MECVD को कैसे reduce करेंगे? चार option है। First option is painting black surface white, giving surface a black mirror finish and roughening surface. So चार option है। First option क्या है? Painting surface black। ये नहीं होगा, क्योंकि MECVD reduction नहीं होगी। वो surface black surface क्या होता है? आप जानते हो black surface ऐसा surface होता है जो absorb कर पाए। तो इससे MECVD तो decrease नहीं होगी। व्हाइट सरफेस, वो तो ट्रांसमिशन हो जाएगा। व्हाइट सरफेस तो जानते हैं जो पूरा का पूरा रेस इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड क्या आएगा? गिविंग ए सरफेस अ मिरर फिनिश देना होगा। मिरर फिनिश मतलब क्या होगा? सरफेस अगर मिरर फिनिश होगा तो क्या होगा, उसकी एमिसिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। सरफेस को अगर हम लोग मिरर फिनिश सरफेस करेंगे तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी एमिसिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां से मिरर सरफेस फिनिश होगा। ओके, सो वीडियो को पॉज करके लिख डालो। सो फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में भी आ गया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कंसीडर टू ब्लैक बॉडीज विद द सरफेस एरिया S1 एंड सरफेस एरिया S2। ओके, सो हमारे पास दो ब्लैक बॉडीज है। क्या है? दो ब्लैक बॉडीज है जिसका सरफेस एरिया S1 इज इक्वल टू A1 कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और दूसरा सरफेस का कितना है, S2।
इज इक्वल्स टू ए टू इज इक्वल्स टू कितना है 4 meter square। क्या फाइंड करना है, देखो दे एक्सचेंज हीट ओनली बाय रेडिएशन, सो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर कैसी हो रही है, रेडिएशन से। 40% ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय S1 इज रिसीव बाय S2, मींस जो एनर्जी S1 से एमिट हो रही है और S2 में जा रही है वो कितनी है 40। ओके, सो हमको क्या फाइंड करना है कि जो इन रेडिएशन क्या फाइंड करना है, द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय S2 दैट इज रिसीव बाय S1 इज। ओके, ये था, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन क्या है, दो ब्लैक बॉडीज है हमारे पास, एक ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया कितना है S1 1 meter square, यानी A1 हो गया 1 meter square, दूसरी ब्लैक बॉडी है कितनी है A2, उसका कितना है 4 meter square, और एक्सचेंज फैक्टर दिया हुआ है, मतलब जो रेडिएशन S1 से निकल के S2 पे जा रहे हैं कितने परसेंटेज है 40%, और 40% यानी F12 कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको इंटरचेंज शेप फैक्टर, मीन्स जो रेडिएशन फर्स्ट सरफेस से जाके कहाँ पे फर्स्ट सरफेस से एमिट हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं सरफेस टू पे, तो उसको कहते हैं F12, कितना है 0.4। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि फ्रैक्शंस ऑफ एनर्जी जो S2 से एमिट होके S1 में जा रही है, यानी F21 फाइंड करना है। ओके, आपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा था ना, हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम कौन से वीडियो में रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा था, रेडिएशन पार्ट 03 में। ओके, रेडिएशन पार्ट 03 में रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, A1 F12 इज इक्वल्स टू A2 F21, ये कुछ ऐसा टाइप का थ्योरम हमने पढ़ा था। ओके, चलो A1 कितना है 1, F12 है 0.4, A2 कितना है 4, तो F21 हमको फाइंड करना है, तो देखो ये 4 कितना हो जाएगा 1, ये जाएगा 4/10 हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे 4 आ गया, इज इक्वल्स टू F21, 4 कट, तो F21 कितना आएगा हमारा 1/10 यानी 0.1, सो F21 की वैल्यू क्या आएगी 0.1। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को पॉज करके लिख डालो कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अब हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है जो गेट 2009 में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, ए वेल इंसुलेटेड हेमिस्फेरिकल फर्नेस रेडियस 1 is equal to 1 meter इज शोन बिलो। सो एक फिगर दी हुई है जिसमें क्या है, वो हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कितना है 1 meter है, द सेल्फ यू फैक्टर ऑफ रेडिएशन फॉर द कर्व सरफेस 2 इज, हम तो सेल्फ यू फैक्टर मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस का जो सरफेस 2 का जो सेल्फ यू फैक्टर क्या है वो फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये आ रहा 2009 में, ये कुछ मैंने किया हुआ है, देखो ये एक सरफेस है जिसका रेडियस कितना है 1, अब फर्स्ट सरफेस है, अब देखो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को जब वो ऊपर से देखोगे तो वो किस टाइप, 2D शेप में, हेमिस्फीयर को 2D शेप में क्या होता है, सर्कल होता है, तो ये 1 पोर्शन है वो सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, A2 यानी अब कर्व सरफेस, अब हम लोग पूरा हेमिस्फीयर को देख रहे हैं, सो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² हमको, अब देखो क्या फाइंड, F11 दिया, F11 मींस क्या होता है 1 का 1 का इंटरसेप्ट फैक्टर, ये 0 आएगा क्योंकि देखो वहां से रेडिएशन निकल रही है तो वहां पे रेडिएशन फील नहीं आएगी। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैंने ये लास्ट वीडियो में रेडिएशन पार्ट 03 में समझाया था, यहां पे ऐसा कुछ टॉपिक था, FFNN = 0, खुद के इंटरसेप्ट फैक्टर 0 होता है, हमको क्या फाइंड करना है F21। अब देखो एक इक्वेशन होता है F11 + F12 = 1, अब देखो F11 ये हीट ट्रांसफर में होता है रेडिएशन में। ओके, F11 कितना होता है 0 प्लस F12 = 1, सो F12 कितना होगा 1। ओके, एक मिनट सॉरी, वो थोड़ा गला सूख गया था इसलिए पानी पीने गया था। चलो कहां थे हम लोग, 0 प्लस F12 = 1 हो गया, सो 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, F12 की वैल्यू क्या मिला हमको 1 मिला। अब
अगेन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, फिर से बोल रहा हूँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने रेडिएशन पार्ट 03 में पढ़ा था। क्या है A1F12 = A2F21। चलो आप सब लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वन सो ए है क्या है पाई आर स्क्वायर। आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है F12 कितना मिला हमको इंटू वन इज इक्वल टू ए टू, ए टू कितना है 2πr² इंटू F21। अब देखो πr² कट तो ये 2 हो जाएगा क्या 1/2 इज इक्वल टू F21। सो F21 कितना आएगा 1/2 यानी कितना आएगा 0.5। ओके सो हमारा क्या आंसर आएगा 0.5 और 1/2। ओके फ्रेंड्स तो वीडियो को पॉज करके अब लिख डालो। सो फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2010 की गेट के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है द व्यू फैक्टर मैट्रिक्स फॉर टू इनफाइनेटली लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर्स इज शोन इन द फिगर इज। हमको क्या फाइंड करना है सो क्वेश्चन में क्या है द व्यू फैक्टर मैट्रिक्स दो सिलेंडर दिए हुए हैं इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर कोएक्सियल। कोएक्सियल क्या होता है जिसका सेम सेंटर और डिफरेंट रेडियस। ओके जिसका सेम सेंटर सेम हो अलग अलग रेडियस हो जैसे पाइप के अंदर पाइप पहले बड़ा पाइप फिर छोटा पाइप तो उसको कहते हैं कोएक्सियल। तो ऐसे दो कोएक्सियल सिलेंडर्स दिए हुए हैं जिसका ये फिगर में हमको क्या फाइंड करना है व्यू फैक्टर मैट्रिक्स। ओके तो देखो व्यू फैक्टर मैट्रिक्स कैसे होती है व्यू फैक्टर मैट्रिक्स इज F11 F12 F21 F22। अब मैट्रिक्स तो जानते हो आप मैट्रिक्स ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। देखो ये सिंबल है बड़ा पाइप बड़ा सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है 2r छोटा सिलेंडर का रेडियस कितना है r। अब F11 जानते हो 0 होता है। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर ये F22 0 नहीं होगा क्योंकि देखो फर्स्ट कहां से स्टार्ट होती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता इसके लिए हम लोग F11 यहां पे 0 रखा है। चलो हमको फाइंड करना F12 आप जानते हो नाउ अभी हमने पढ़ा था क्या वो इसके पहले के एग्जांपल में F11 + F12 = 1। सो F11 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस F12 = 1। सो F12 कितना हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट आंसर मिल गया हमको 1। अब F21 फाइंड करेंगे कौन से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है A1 F12 = A2 F21। ओके A1 F12 = A2 F21। अब A1 कितना है अब देखो इसमें से कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड कंसीडर करेंगे अंदर वाला है उसको फर्स्ट बाहर वाला है उसको सेकंड। ओके अंदर मेरी पेन हाँ अंदर वाला है उसको फर्स्ट और बाहर वाला क्या होगा सेकेंड। अब देख लेता हूं हाँ रेडी चलो अंदर वाला का एरिया क्या होगा अंदर वाला सर्कल के फॉर्म में होगा। सो A1 क्या होगा अंदर वाला क्या होगा सर्कल के फॉर्म में सॉरी पाइप। अब सिलेंडर क्या होता है पाइप और पाइप पाइप यानी सिलेंडर हुआ तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr h। सो 2π अब रेडियस कौन सा लेंगे अंदर वाला सिलेंडर है तो उसका रेडियस कितना है r तो 2πr h। सपोज उसकी हाइट उसकी लेंथ हम ले लेते हैं l इंटू F12 कितना मिला हमको 1 × 1 = A2 यानी बाहर सिलेंडर है बाहर जो पाइप है उसका एरिया कितना होगा 2πr h लेकिन r की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2r। सो ये हो जाएगा 2π 2r h × F21। ओके अब देखो कटिंग होगा हमको क्या फाइंड करना है F21। सो F21 को यहां पे रखा सब नीचे चला जाएगा सो 2πr h × 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2π 2r h। ओके 2π कट r कट h कट तो 1/2 मिला। सो F21 क्या मिलेगा हमको 1/2 = 0.5। F21 मिल गया हमको F22 फाइंड करना है चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं 0.5
F22 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे F22? आप जानते हो, देखो यहां मैंने कैसे फाइंड किया, उसी तरह। नाउ F21 + F22 = 1, सो F21 की वैल्यू कितनी है, 0.5 + F22 = 1, सो F22 कितना मिलेगा हमको, 0.5। सो फाइनली जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, देखो पहला क्या है, चलो पहला है F11, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5, ओके। तो अब ये हो गया 0, फिर F12 होगा 1, और ये F21 और F22 कितना है, 0.5, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया, ये है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब अपनी बुक में लिख डालो, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स लिख लिया, सो आज का वीडियो बस इतना ही था, मुझे सिर्फ 5 ऐसे 6 एग्जांपल्स ही मिले रेडिएशन में। आई होप कि आपको ये वीडियो में सारे के सारे एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कन्वेक्शंस के बारे में, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।